नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। हम बात कर रहे हैं राशिफल 2019 की। आपका स्वागत अभिनंदन मेरे प्रोग्राम खेल ग्रहों का। मैं आज बारी है तुला राशि की, तो इस राशिफल में कर्क राशि के बाद में सेकंड ऐसी राशि तुला राशि जिसका वार्षिक राशिफल, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है 2019 में हर क्षेत्र के हिसाब से। फिर भी जब हम बात करें 365 दिन की, तो स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना तो स्वाभाविक है। हम उसी की चर्चा करें, उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। वृष के प्रारंभ में इस साल की स्टार्टिंग सही बृहस्पति राशि से सेकंड है, वो फाइनेंशियली आपको स्ट्रेंथ देंगे, रोगों से आपकी सहायता करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ प्रॉपर्टी का भी इंप्रूवमेंट आएगा और ननियाल से भी कुछ न कुछ गेन का मौका मिलेगा। वही बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से एट्थ हाउस को देखते हैं। एट्थ हाउस है एक्सपेंसेस के साथ में दुर्घटनाओं का, जो भी आकस्मिक चीज़ें हो सकती है, जो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, या बाहरी संबंधों से आपको जो राहत मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, जिससे आमतौर पर एंटिक से जुड़ा जाता है, पुरातत्व से जुड़ा जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन यही बृहस्पति 29 मार्च 2019 को अपनी राशि से आगे बढ़ जाएगा अतिचारी होकर के, और 23 अप्रैल 2019 तक रहेगा। वहाँ तक हेल्थ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और स्पेशली आपको उस समय काल में पथरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपको यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फैटनेस से रिलेटेड या गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उस 23 दिनों में, क्योंकि बृहस्पति एंजाइम को कंट्रोल करता है, एंटेस्टाइंस को कंट्रोल करता है, लीवर को कंट्रोल करता है। जो ही वो वीक साइड में जाएंगे, शनि के साथ में जाएंगे और राहु की दृष्टि में आ जाएंगे, तो बृहस्पति राहु का कंजक्शन जब भी होता है, दृष्टि संबंध जब भी होता है, उस चीज़ को ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग बोला जाता है। मार्च से अप्रैल के बीच में कुछ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि मैं जैसा कि हर राशि के लिए कोई डेट्स बताता हूँ, वो डेट्स आपको भी नोट करके रखनी चाहिए जिनकी राशि तुला राशि है। 18 मार्च से लगा करके 23 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड। इस समय 2019 में मार्च और अप्रैल महीने में, क्योंकि बृहस्पति भी चेंज होगा और आपके लिए जो दिन दशा है वो भी प्रतिकूल आ जाएगी, उस संबंध में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और सावधानी का मतलब यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर से है। हम जब भी अचानक से कोई संकट आता है तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, वो घबराने की आवश्यकता ना पड़े इसीलिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता है, क्योंकि भविष्य को हम आज के संदर्भ में देख पाएँ, कल क्या होगा इसकी गणना आज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं, जांच सकते हैं। 24 जनवरी 2020 तक शनि राशि से थर्ड रहेंगे। जब तक शनि राशि से थर्ड हैं तब तक आपको बहुत अच्छे ढंग से अचीवमेंट और प्रोग्रेस मिलेगा, आपको तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पराक्रम शक्ति बढ़ेगी, तो आपका बाहुबल और आपके दोस्तों से सहयोग भी मिलेगा, जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी आपको सहयोग देंगे। लेकिन जो ही राहु यहाँ से चेंज करेगा 6 मार्च 2019 को, उसके बाद में राहु अकेला हो जाएगा, शनि की दृष्टि से निकल जाएगा, तब क्या होगा उस स्थिति में कफ से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, दमा से रिलेटेड, और साथ ही साथ में आपको जो कॉलर बोन है या आपकी बाहों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर राहु के संदर्भ में जब बात करते हैं तो राहु एक्जिमा देने का, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम करने का, जो भी रक्त विकार होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, वो आपको होना संभव है 2019 में। इसलिए आपको इस बीमारी से रिलेटेड सावधानी रखनी चाहिए, और जो ही छोटी सी प्रॉब्लम हो तब भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई भी नेगेटिविटी जब आती है तो आपको नॉक जरूर करती है, टाइम खराब आती है आपको नॉक करता है, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ज्योतिष की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं बता रहा हूँ मेरी गणना का आधार सिर्फ और सिर्फ गोचर है, ज्योतिष है, यही बात है। आज बस इतना ही, हम अगली राशि लेंगे वृश्चिक राशि, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।